गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स। वी नाउ 110 इक्वल टू 10 वंस, इट इज 10 स्टेप। इसको सिंगल में किया जाए तो ये 10 वंस के इक्वल होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वंस के इक्वल होती है। सो 10 वंस मेक 110, 10 वंस मेक 110, 10 वंस मिलके 110 बनाते हैं। और 110 को अपन अलग अलग किया जाए तो 110 इक्वल टू 10 वंस, 110 10 वंस के इक्वल होता है। इस तरह से नंबर में रीग्रुपिंग करना, बोरो लेना मींस रीग्रुपिंग मींस बोरो लेना। फॉर एग्जांपल यहाँ 21 है हमारे पास, तो 21 में 2 टेंस पे है एंड 1 वंस पे है। टेंस में से 1 इधर बोरो लिया जाएगा तो यहाँ वंस पे 11 हो जाएगा एंड टेंस पे 1 लेफ्ट, तो 1 टेंस एंड 11 वंस। 2 में से 1 इधर लेफ्ट अपन ने बोरो लिया तो यहां 11 वंस हो गए एंड यहां 2 में से 1 बोरो लिया था सो यहां टेंस पे 1 रह गया। इसी तरह से अनदर एग्जांपल हमारे पास 25 में 2 टेंस एंड 5 वंस, 2 टेंस एंड 5 वंस है। इसको रीग्रुप में किया जाए वापस यहाँ देखिए 25 में 2 टेंस पे एंड 5 वंस पे वापस रीग्रुपिंग की जाए। एक अपन ने 1 इधर बोरो लिया तो यहाँ हमारे पास वंस पे 15 एंड यहाँ 1 लेफ्ट रहा सो यहाँ हमारे पास 1 टेंस एंड 15 वंस इसके इक्वल हुआ 2 टेंस एंड 5 वंस। सी ऑन द पेज नंबर 59, यहाँ 21 है, 2 टेंस एंड 1 वंस पे है, तो यहाँ टेंस की 1 स्ट्रिप को हमने यहाँ वंस में चेंज किया तो यहाँ सिंगल 1 है उसमें 10 और प्लस किया तो ये हमारे पास 11 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो 110 एंड 11 वंस इक्वल टू 2 टेंस एंड 1 वन। इसी तरह से प्रैक्टिस, राइट द फॉलोइंग नंबर्स बाय रीग्रुपिंग द टेंस इनटू वंस। 25 का मैंने आपको बोर्ड पे बताया। सेकंड 36 में 3 टेंस एंड 6 वंस, इसमें से टेंस में से 1 बोरो इधर लिया तो 2 टेंस 16 वंस।
फिर 1 टेंस 26 वंस। यहां देखिए 36 में हमारे पास 3 टेंस एंड 6 वंस। इसको कन्वर्ट करेंगे वापस रीग्रुपिंग टेंस एंड वंस में। टेंस को टी से शो करते हैं और वंस को ओ से शो करते हैं। तो वन इधर बोरो लिया तो हमारे पास यहाँ वंस पे हो गए 16। टू यहाँ लेफ्ट रह गए। इसी तरह से वन टेन इधर वंस में बोरो लेंगे तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 26 और 10 पे ले जाएगा 1। तो ये सब आपस में इक्वल है। 3 टेन एंड 6 वंस 2 टेन एंड 16 वंस के इक्वल है एंड 1 टेन एंड 26 वंस के इक्वल है। इस तरह से आपको रीग्रुपिंग करनी है 42 में भी। एक्सरसाइज 3B, रीग्रुप द नंबर्स एज टेंस एंड वंस। एक्सरसाइज 3B का फर्स्ट क्वेश्चन का बी 42।
subtraction of two digit numbers with regrouping. टू डिजिट नंबर को रीग्रुप बनाते हुए कैसे सबट्रैक्ट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल 45 माइनस 19. 45 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिए सिंपल वे में टेंस एंड वंस 45 शो करके बताया गया है। फर्स्ट स्टेप पे देखिए आपके पास 45 में 4 10 की स्ट्रिप है एंड 5 वंस के सिंगल ब्लॉक्स हैं, तो यहाँ 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो 10 में से 1 को बोरो लिया, यहाँ 15 हुए। वो कैसे, हाउ, देखिए 10 स्ट्रिप को हमने तोड़ा तो 110 इक्वल टू 10 वंस होता है, सो यहाँ 5 प्लस 10 15 हो गए, तो इसमें से अब 9 को लेस किया तो हमारे पास लेफ्ट रहे 6। एंड वी राइट 6 वंस प्लस 9 को क्रॉस कर दिया, 10 की स्ट्रिप हमारे पास 4 में से 1 बोरो ले ली थी, 3 रही, तो यहाँ 3 में से 1 को लेफ्ट किया 10 स्ट्रिप को, तो 2 लेफ्ट रही। इस तरह से 45 माइनस 19 इक्वल टू 26, 26 में 2 टेंस एंड 6 वंस। See on the page number 62, practice which one of the following subtraction is correct. यहाँ आपके पास 53 minus 19. 53 minus 19 में 3 subtraction करके बताया गया है कि कौन सा सही है इसमें से और कौन सा wrong है. So, अब 53 minus 19 करके देखेंगे, सब्ट्रैक्ट, यहां देखिए वंस प्लेस पे 3 में से 3 को लेस किया, सॉरी 19 53 माइनस 19 है, लेस किया
इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 1 को लेस किया 3, तो 53 माइनस 19 इक्वल टू 34। तो यहाँ देखिए हमारे पास 3 सब्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट सब्ट्रैक्ट है 53 माइनस 19 इक्वल टू 46, दिस इज रॉन्ग, हमें करेक्ट पे टिक लगाना है, जो सब्ट्रैक्शन करेक्ट है उस पे टिक लगाना है। सेकंड देखिए, सेकंड में यहाँ बोरो तो ले लिया, 13 माइनस 9 किया 4, बट यहाँ 5 माइनस 1 ही किया, तो दिस इज रॉन्ग, यहाँ 4 ही लेफ्ट रहा था, 4 में से 1 को लेस करना था तो 3, दिस इज राइट सब्ट्रैक्शन, ये राइट सब्ट्रैक्शन है। थर्ड, यहाँ देखिए 53 माइनस ये 1 बोरो लिया 5 में से 13, 13 में से 9 गए 4, और यहाँ 4 लेफ्ट रहा है, 4 में से 1 गया 3। इस तरह से सब्ट्रैक्शन किया जाता है। एक्सरसाइज 3C का बी क्वेश्चन, करिए और टू पे रॉन्ग क्रॉस का साइन
लगा दीजिए. टुडेज होमवर्क इज Okay, student.